बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंडो पाक हिस्ट्री की के एमसीक्यूज़ की सेकंड वीडियो के साथ मैं हूँ दानिश शहज़ाद। और अभी तक हमने 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और अभी हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 21। और 21 एमसीक्यूज़ है हमारे पास है 1875 का इवेंट और 1865 में क्वीन विक्टोरिया की 56th बर्थडे थी और ये 24 मई 1875 को। ये जो बर्थडे है क्वीन विक्टोरिया की, हालांकि इसकी 56 मैनी बर्थडेज थी, ये फेमस बर्थडे क्यों है? क्योंकि इसकी बर्थडे के दिन सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की का इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट हमारे पास है 1876 और 1876 का इवेंट तो ऐसा इवेंट है जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। और वो इवेंट क्या है कि 1876 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना पैदा हुए थे और 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जना पैदा हुए थे। नेक्स्ट 1876 का एक और इवेंट है, वो क्या है कि लॉर्ड लिटन जो हैं वो हिंदुस्तान के वाइस राय बने थे। नेक्स्ट हमारे पास 1877 के है और 1877 का इवेंट भी ऐसा इवेंट है जो कि हम सबको याद भी होगा, और वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल सियालकोट के मकाम पे पैदा हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास 1877 का ये एक और इवेंट है और ये क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल जो था जिसकी बुनियाद 1875 को सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी मलकाए विक्टोरिया की 56 बर्थडे के मौके पर, और वो स्कूल जो है वो कॉलेज के लेवल पर प्रमोट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1880 है और 1880 का हमारे पास जो मेन इवेंट है वो ये है, लॉर्ड रिपन जो है वो वाइस राय बने थे हिंदुस्तान के। नेक्स्ट हमारे पास 1880 है, 1818 का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान इम्पीरियल काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है 28 और ये है 1881 ईयर का इवेंट, और ये इवेंट क्या है कि लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की थी। और ये क्वेश्चन बारहा पूछा जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट कब हुई, किसने की? और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाता है, वो ये है कि हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है? तो वो हमारे पास लॉर्ड रिपन है। नेक्स्ट हमारे पास 1884 का हमारे पास जो मेन इवेंट है वो संगे बुनियाद रखा गया था अंजुमन हिमायत इस्लाम, और ये इसकी बुनियाद रखी गई थी 22 सितंबर 1884। और नेक्स्ट है हमारे पास 1885 और 1885 में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, और किसने रखी? ए ओ ह्यूम ने। 1886 जो कि हमारे पास 31 नंबर एमसीक्यूज़ है वो है सर सैयद अहमद ख़ान से ही रिलेटेड। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1886 में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था, और यही मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल के फिर मुस्लिम लीग के लिए प्लेटफॉर्म बनी। नेक्स्ट है हमारे पास 1888 में सर सैयद अहमद ख़ान ने टाइटल ऑफ नाइटहुड का हासिल किया था, और ये क्वेश्चन बारहा FPSC के एग्ज़ाम्स में वन पेपर MCQs के एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास 1892 में इंडिया काउंसिल एक्ट पास हुआ था अगेन एक दफ़ा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 34 नंबर MCQs है वो है 1893, और 1893 में ड्यूरेंड लाइन की बुनियाद रखी गई थी, और ये किन दो ममालिक के दरमियान थी? ये अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ड्यूरेंड लाइन, जो कि आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लाइन है और जिसकी लेंथ तकरीबन 2250 किलोमीटर है। ये जो है उस टाइम मुहायदा हुआ था 1893 में अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की हकूमत के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है 1894 में हमारे पास जो है नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई थी, और नदवतुल उलमा की बुनियाद किसने रखी थी? मौलवी अब्दुल गफूर ने।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 1898 है। 1898 में नदवतुल उलमा ने फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया था, उससे पहले इसने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया था। नेक्स्ट हमारे पास 1898 का एक और इवेंट है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, और वो इस इंडो पाक की हिस्ट्री में इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो है सर सैद अहमद ख़ान की डेथ, और सर सैद अहमद ख़ान 27 मार्च 1898 को अपने हाल के हकीकी से जा मिले, और आज तक सर सैद अहमद ख़ान की मिसाल जो है उनको कोई भी नहीं पहुंच सका। उन्होंने जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए काम किया है, और उसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है, लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मैं मर के भी ज़िंदगी की खबर कर जाऊँगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1899, और 1899 का जो मेन इवेंट है वो है लॉर्ड कर्जन, जो कि इनकी भी काफ़ी अहमियत है हिंदुस्तान की तारीख में, वो वाइस राय बने थे। एंड 39th हमारे पास एमसीक्यूज़ है, 1900 और 1900 में क्या हुआ था, एंथोनी मैकडोनल्ड ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था, और लैंग्वेजेस के लिहाज से हमने पहले भी देखा है कि 1865 में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, फिर 1871 में जॉर्ज कॉम्पेल ऑर्डर देते हैं कि उर्दू को सिलेबस से रिमूव कर दिया जाए, और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि 1900 में एंथोनी मैकडोनल्ड ऑर्डर देते हैं कि हिंदी शुड बी यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास 40 है, और 40 में 1903 का इवेंट है, और 1903 का इवेंट क्या है कि नवाब मोहसिनुल मलिक ने अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद रखी। थैंक यू, ये हुए हमारे 40 एमसीक्यूज़ कंप्लीट, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट्स कीजिए।